हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो सीजीएल 2022 का सीपीटी का रिजल्ट नहीं आया है। फिलहाल एक नोटिस बड़े बुरी तरीके से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ये नोटिस जो है ये फेक है। किसी बच्चे ने जो है यहाँ पे मतलब छेड़खानी करने की कोशिश की है। एसएससी ने अपनी तरफ से कोई नोटिस नहीं डाला है, आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे बच्चा जिसने भी ये नोटिस बनाया है वहाँ पे एक छोटी सी गलती कर गया। गलती क्या कर गया, पहली चीज तो ये, चलो इसको तो हम बड़ी गलती नहीं कह सकते। यहाँ पे फाइल नंबर जो है यहाँ पे 2022 लिखा है, जबकि इसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था, टीयर वन का जो रिजल्ट था, उसके अंदर भी 2023 लिखा हुआ था। बट स्टिल चलो इसको तो इग्नोर भी कर देते हैं। आप जो मेन गलती यहाँ पे देखोगे वो क्या है, यहाँ पे ही लिखा गया है कि भाई द सीपीटी कंसिस्ट ऑफ टू मॉड्यूल्स, द मॉड्यूल वन इज सीपीटी एंड मॉड्यूल टू इज डेस्ट। तो भाई इस बार सीपीटी तो हुआ ही नहीं, इस बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ, ये पहले हुआ करता था। इस बार एसएससी ने कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया है। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने ये बनाया है भाई, अगली बार से थोड़ा ध्यान रख लेना, यहाँ पे साफ साफ आप पकड़े गए हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी नहीं हुआ, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ था, सीकेटी कह सकते थे आप इसको, ठीक है। और यहाँ पे भाई बड़ी ही डरावनी यहाँ पे कट ऑफ्स लगाई गई थी भाई, यूआर की दिखाई गई है 36, कि भाई जिस बच्चे के 36 से कम नंबर होंगे जनरल कैटेगरी से, वो बच्चा एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हो गया, आपका एमईए सीएसएस मिनिस्ट्रीज जितनी भी है वहां पे, जिनके अंदर पहले सीपीटी हुआ करता था, उन सबके लिए जो है बच्चा एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अब बंदे यहीं डर जाएंगे, यूआर के लिए 36, ठीक है, ओबीसी के लिए कह रहे 33, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 33, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो चलो काफी हद तक ठीक मतलब अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि जो टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है या फिर कुछ एक जो यूडीसी की पोस्ट है, टाइपिंग भाई अगर 5% से ज्यादा एरर है यूआर का, तो उसको टैक्स असिस्टेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये वाला तुक्का उस बंदे का ठीक भी निकल सकता है, बट लिटरली ये 36 जो है, ये मतलब मुझे नहीं लगता इतनी हाई जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यानी आपका जो कंप्यूटर पेपर का पेपर हुआ था, उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इतने हाई नहीं जाने वाले, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली सीजीएल 2022 का रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, और इसी महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नोटिस जो है फेक था। पहली चीज, सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया करो, क्योंकि देखो एक नॉर्मल टेंडेंसी है, मतलब जैसे भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ये एक आम सी चीज है कि सबसे पहले मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के मतलब इस चीज के अंदर अक्सर मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम वेरीफाई नहीं करते, सोचते हैं बाद में वेरीफाई कर लेंगे, एक बार डाल दो, है ना, तो डाल दिया, उसके बाद फिर वो वायरल हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंटेंशनली ऐसा कोई नहीं करता, अगर किसी से हुई भी ये चीज तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर आप लोगों के फायदे के लिए इंटेंशन से अगर कोई चीज की गई थी, और हमेशा की जाती है, तो अगर एक चीज गलत निकल गई तो मतलब ऐसे कैंचे पैपे नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट गो, होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, परमात्मा कोई नहीं है ना, हर इंसान यहाँ पे गलती करता है। तो सीजीएल 2022 की जर्नी का आप मान के चलो मोटा मोटा दी एंड जो है इस महीने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब जो असली खेल शुरू होगा वो होगा सीजीएल 2023 का, क्योंकि मान के चलो यार सीजीएल 2022 के मेंस में जितने बच्चे बैठे थे, और सीजीएल 2023 के मेंस में जितने बच्चे बैठेंगे 23 के मेंस के अंदर, ये 22 के मेंस के बच्चे बहुत ज्यादा आप लोगों को रिपीट देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन किसी भी हालत में कम नहीं होने वाला है, बट हाँ वैकेंसीज अभी तो कम है सीजीएल 2023 में, ये भी डेफिनेटली बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो गलतियां आपने सीजीएल 2022 में की थी उनसे थोड़ा सा निपट लेना एक सेकंड के लिए। अगर आप इस नोटिस को अगर आप सच्चा मान लो, तो देखो कंप्यूटर की कट ऑफ कितनी जा रही है, 36, ठीक है, ये नहीं गई है और नहीं ही जाएगी, 36 कट ऑफ जा रही है। अब आप ये मान के चलो कंप्यूटर के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो टाइम गया जब मैथ्स और रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन हो जाता था, अब आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपटीशन के दौर में पीछे रह जाओगे, ठीक है। और प्लस अगर किसी बच्चे ने अभी मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको सीजीएल के प्री के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे, मेंस के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप भाई कोड लगाते हो, BHAI, भाई कूपन लगाने से आप लोगों को उस टाइम का जो भी ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको मैक्सिमम बच्चे यहीं पे मिल जाएंगे जो कि आपके साथ एक्चुअल में पेपर दे रहे होंगे, तो आप यहीं पे दो दो हाथ होके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी रैंक आ रही है। जो आप गलतियां कर रहे हो डेफिनेटली उन गलतियों से तो सीखना ही है, ये एक पर्पज होता है यहाँ पे मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खींच के रखो चीजों को। सीजीएल 2022 के मेंस के बाद जब हमें कट ऑफ देखने को मिलेगी, और जो सिलेक्शन की लिस्ट होगी इतनी बड़ी, उससे भी 9 गुना बड़ी लिस्ट उन बच्चों की होगी जिन्होंने मेंस दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मान के चलो यार ये बच्चे भयंकर तरीके से बाउंस बैक करेंगे सीजीएल 2023 के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीजीएल 2023 दे रहे हो या फिर सीजीएल भी फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो कम कंपटीशन नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है, न इस साल न अगले साल। और आप बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते कि आप रिपीट ना हो, ठीक है, मतलब हर बच्चा होता है रिपीट, इन लोगों ने भी जब पहली बार सिलेक्शन लिया था या लेंगे,
उन बच्चों के साथ फाइट करके लेंगे जो कि दूसरी बार या तीसरी बार सिलेक्शन ले रहे थे। ठीक है, होता है ये आम सी चीज है, आपको पता है कि भाई SSC के पोस्ट के अंदर कोई एक तरीके की पोस्ट नहीं है और किसी एक लोकेशन पे ही नहीं है, दुनिया भर की लोकेशन है और दुनिया भर की पोस्ट है जिनके परमोटेशन कम्बिनेशन ऐसे बैठते हैं कि बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मान लो ऐसा कोई बच्चा जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है ना, एक बार मान लो यहाँ पे जनरल कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी का वो बच्चा है, कोई भी एक कट ऑफ गई हो उसकी, वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई और वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता था, उसके पूरा पेपर बढ़िया हो रखा है, सिर्फ उसका कंप्यूटर का पेपर खराब हो गया है, उस वजह से वो एक्साइज नहीं लग पाएगा। अब वो क्या बंदा दोबारा से कोशिश नहीं करेगा? अब आप ये कहोगे कि नहीं यार किसी दूसरे बच्चे के लिए सीट छोड़ दो, तो देखो ऐसा आज के टाइम में नहीं होता है, कंपटीशन का दौर, आप किसी से हाथ पैर जोड़ के ऐसे मतलब सीट की भीख नहीं मांग सकते। लोग तो यार मतलब रेलवे स्टेशन पे मतलब ट्रेन में बसेस में किसी को आज तक सीट नहीं दे, कोई मतलब अपनी जॉब की सीट तो क्या देगा किसी को, है ना? तो बस वो ये छीननी पड़ती है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, आप ये मान के चलो कि बस हो जाती है चीजें, कंसिस्टेंसी से मतलब डेली ग्रो करते जाओगे तो चीजें आसान रहती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।